नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। जनरल पोस्ट ऑफिस में तैनात कांस्टेबल की गोली लगने से हुई मौत। तरनतारन में पे स्केल नोटिफिकेशन को लेकर एनआरएचएम के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया रोष प्रदर्शन। ईसाई समुदाय की ओर से किया गया पठानकोट में जम्मू हाईवे पर जाम। अब खबरें विस्तार से। देश की सरहद पर बनी अपनी बॉर्डर पर बीएसएफ की तरफ से होने वाली रिट्रीट सेरेमनी स्थल के विकास के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स ने 25 करोड़ की सौगात दी है, जिसका उद्घाटन देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं जो नई दीर्घा बनाई जा रही है, उसमें दर्शकों के बैठने के लिए अत्याधुनिक गैलरी, गार्ड रूम आदि के अलावा जवानों के परेड के लिए रबर वाली सड़क तैयार की जाएगी। बिल्कुल, उसी दिन जो एक बड़ी दर्शक दीर्घा भारत सरकार द्वारा सैंक्शन हुई है, 25 करोड़ की लागत से उस पर बननी है, जिसमें अभी की जो प्रेजेंट कैपेसिटी है उससे लगभग 3 गुना कैपेसिटी उस पर क्रिएट की जाएगी और वहां पर एक बड़े स्टेडियम का निर्माण होना है। तो उस दिन हमारे माननीय होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी आकर के उसका फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी को परफॉर्म करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट के पास जैसा एक कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान चाहिए, आज तक यह गवर्नमेंट कोई ऐसा कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान नहीं बना पाई है। आए दिन कहीं पर बम ब्लास्ट की घटनाएं हो रही हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं। जलंधर में किसी समागम के चलते शिरकत करने के लिए पहुंचे भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट बाबुल सुप्रिया ने आज सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका और सरबत के भले की अरदास की। वेस्ट बंगाल के आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए बाबुल सुप्रिया एक प्लेबैक सिंगर भी हैं और उन्होंने 70 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज पेश की है। इस अवसर पर श्रोमणी कमेटी के सूचना अधिकारियों ने सुप्रिया को सिख इतिहास और विरसे से जानू करवाया और श्री हरिमंदिर साहिब की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। अथॉरिटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे इस मंदिर का मेंटेन किया है, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। पानी एकदम इतना अच्छा साफ और जिस तरीके से फिल्टर होके पानी रिसाइकल होता है, हर चीज़ में एक निष्ठा, भक्ति और प्यार बांटने की जो बात है वो दिखाई देती है। तो मैं बहुत कम जो है, मैं बहुत ज़्यादा पूजा करना है, मंदिर जाना ये करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान जो है हमारे अंदर ही है। लेकिन यहाँ इस टाइप के माहौल में आप आओ तो आप आपको वो चीज़ महसूस करने की, अपने आप से क्या बोलते हैं, अपने आप के साथ बात करने की वो मौका मिल जाती है। बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा और बहुत सालों के बाद मैं आया यहाँ, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नहीं, मैं जलंधर में एक फंक्शन में आया हुआ हूँ, लेकिन अमृतसर एयरपोर्ट में लैंड करूँ और जाते वक्त मंदिर ना देखूँ ऐसा नहीं हो सकता है। तो गोल्डन टेम्पल मुझे आना ही था और जैसे कहते हैं कि जब बुलावा आ जाता है तो आप कहीं खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाते हैं। पे स्केल नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर आज 5वें दिन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन द्वारा जलंधर सिविल सर्जन ऑफिस के बाहर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एनआरएचएम यूनियन ने बादल सरकार और सेहत मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार की अर्थी बना नारेबाजी की। एनआरएचएम यूनियन की मांग है कि जल्द से जल्द रेगुलर पे स्केल नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर एनआरएचएम यूनियन की मांग ना मानी गई तो शुक्रवार को प्रदर्शन और भी तेज कर दिया जाएगा। नाम ब्रजेश कुमार, जिला प्रोग्राम मैनेजर जलंधर। आज असी इतने एनआरएचएम यूनियन पूरे जलंधर के एनआरएचएम के मुलाजम जलंधर सिविल सर्जन ऑफिस विखे इकट्ठे हुए हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि असी 5 दिनों तो लगातार जलंधर दे विच हैजीटेशन कर रहे हैं। उहदा कारण की है, उहदा कारण यह है कि साडे एनआरएच मुलाजम जो 8-8 साल तो हैल्थ सर्विस दे रहे हैं, सो हैल्थ सहूलतां दे रहे हैं, सेहत सेवावां, वह 7-7 साल 8-8 साल तो इत्थे काम कर रहे हैं। अज उन्हां दीआं तनखावां जिहड़ियां बणदीआं ने, उहनां नूं की होया कि उन्होंने रैशनलाइज एक नवा पत्र जो जरा जारी किया, सानूं उहदे विच
ਜਿਹੜੇ 7-7 8-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੁਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਓਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਡੇ NRHM ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ NRHM ਇੰਪਲੋਈ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਪਲੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ NRHM ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ ਅੰਡਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਅਰ ਐਂਡ ਸਲਾਉਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਉਣਾ, 6% ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੇਕਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਉਸ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਵਰਕਰਸ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਜ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੇ DC ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਆਫਿਸ ਕੇ ਆਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਕਰਤਾਓਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮ ਕਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਭੀ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਤੋ ਇਹ ਧਰਨਾ ਔਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਟਮਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਟਮਾ ਸਭਾ ਦੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ UPA ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ 2013 ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਜੋਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਜਿੱਦ ਰਹੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਜੋ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਜਨਰਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਮੇਂ ਤੈਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣੇ ਸੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਕੀ ਇਹ ਮੌਤ ਹਾਦਸਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੇ ਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਭੀ ਤੱਕ ਕਿਸੀ ਨਤੀਜੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਤ ਕੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨੋਂ ਕਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਰਸ਼ੇਰ ਚੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਰੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਘਰ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵਾਈਫ ਆ ਅਤੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਰਸੋਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਜਿਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਲੱਗੀ ਆ, ਪੱਕੀ ਆ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਤੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਛੱਤ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚੱਲੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਵਾਰਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ। ਇਹ ਟੋਟਲ 4 ਜਣੇ ਸੀ, 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ, ਇਕੱਲਾ ਸੀ।
बीजेपी की मेंबरशिप को और आगे बढ़ाने के लिए तरनतारन में विशेष रूप से पंजाब प्रधान बीजेपी कमल शर्मा पहुंचे। वह बीजेपी के सभी वर्कर्स को मिले। उन्होंने मेंबरशिप को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के वर्कर्स को संबोधित भी किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सारे पंजाब का दौरा किया जा रहा है ताकि बीजेपी की मेंबरशिप को और आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। साथ ही बताया कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे वह श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी में होंगे, और कहा कि जो गोलियां भी चली हैं उसमें भी हमें इंसाफ मिलेगा। रही है पूरे देश के 31 मार्च तक असी अपनी मेंबरशिप जी है वो मुकम्मल करनी है। उस सिलसिले अज पूरे सूबे जिले दी मीटिंगां हो रही हैं। मैं अच्छ तरन तारण जिले की मीटिंग लैन वास्ते आया, काफ़ी भर्ती हुई है लेकिन अजे सारा रिकॉर्ड नहीं आया, 31 तरीक तो बाद रिकॉर्ड आएगा। नहीं, मैं बहुत संतुष्ट हाँ। साढ़े भारतीय जनता पार्टी के वर्करस और लीडर्स ने बड़ी हिम्मत नाल इत्थे इलैक्शन लड़े है। इत्थे जिन्हां हालातों के इलैक्शन होया असीं सारे जानते ही हैं। मैं इन्हां सारिआं दी हिम्मत की दात दिंदा। लोकतंत्र की लड़ाई सी और असीं बहुत खुश हाँ कि साढ़े पार्टी के जिहड़े लीडर्स ने इत्थे बड़ी हिम्मत नाल इलैक्शन लड़े। सत साढ़े साथी जित के आए, जिहड़े कामयाब नहीं हुए साढ़े वास्ते वो भी जीते दे बराबर। सिखों के सिद्धांतों को दुनिया की हर जनता के पास ले जाने के मकसद से द सिख फोरम की स्थापना आज अमृतसर में की गई, जो कि धर्म के प्रचार के लिए काम करेगी। साथ ही इस मौके पर सिख धर्म पर आधारित 3 किताबों को अंग्रेजी में रिलीज किया गया है। वहीं इस द सिख फोरम के लोगों का कहना है कि आज सिखों में सिद्धांतों के उलट काम हो रहे हैं और धर्म में राजनीति आ गई है, जिस कारण सिख धर्म की प्रभुता को खतरा है और तख्त साहिबान राजनीति से प्रेरित हो गए हैं, और ये संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि किस तरह से तख्तों की प्रभुता को कायम रखा जा सकता है। मेरी 3 रिलीज हुई ने आज, एक है बंदा सिंह बहादुर दी 5 एरोज ऑफ बंदा सिंह बहादुर। ये सारी बंदा सिंह बहादुर दी हिस्ट्री है इंग्लिश नावल विच। दूजी किताब रिलीज हुई है मेरी कोहिनूर, ये दुनिया का बहुत बेशकीमती हीरा है, इसलिए इसनों मनिया जाता शान व शौकत दा चिन्ह। ये हिंदुस्तान तो चला गया सी, सिख नूं किवें लैके आए यो कहानी हो है कोहिनूर। तीजी मेरी किताब है द सिक्स इन कैनेडा, कैनेडा में रहने वाली सिख कौम की इस वेले की स्थिति है, की उन्हां दी पोजिशन है, की उन्हां दे हालात ने और उन्हां दा उत्थे की मुकाम है इस वेले। ये 3 किताब बहुत जरूर, लेकिन बाहरले मुल्कां विच ये समस्या काफ़ी गंभीर बनी हुई आई। स्टडी एजुकेशन ये लोगों को चंगे लैक्चर दियो, चंगी तालीम दियो, एजुकेट द पीपल। एजुकेशन ही होएगा ना, भी सिख वक्रे मुसलमान वक्रे ने, यो कुछ करेगा, यो कुछ करेगा ना फोरम। फोरम सब तो पहला तो एजुकेट करेगा लोगों ने, जो इफेक्टिव हो जाएगा ये फिर दूसरे मुल्कां दी सरकारां नूं अपने तौर पर चिट्ठी पत्र खतो किताब कोरसपोंडेंस उन्होंने दसन वास्ते भी सिखां दीआं आ कदरां कीमतां ने, आ सिद्धांत ने, आ इन्हां दी कल्चरल नीड्स ने। इस करके तुसीं इन्हां नूं हिंद मुसलमानां दे नाल रलगड़ ना करो, दे डिफरेंट पीपल। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यूनियन तरन तारण की तरफ से आज अपनी मांगों को लेकर तरन तारण के DC ऑफिस के आगे काफी रोष प्रदर्शन किया गया और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। NRHM यूनियन ने तरन तारण के DC बलविंदर सिंह थालीवाल और तरन तारण में पहुंचे पंजाब प्रधान BJP कमल शर्मा को ज्ञापन पत्र भी सौंपा। साडे आन वाले बच्चों का फ्यूचर भी जड़ा सेव हो जावे, ये असि कल्ले NRHM वाले ही लड़ाई नहीं लड़ रहे, अज ये लड़ाई सारे पंजाब दी शुरू हो जाती है, जिदे विच सारे ही मुलाजम जड़े कॉन्ट्रैक्ट ते ने, साडे बच्चे इन्नी मेहनत नाल असि उन्हां नूं पढ़ा रहे हां, इन्ना पैसा ला के उन्हां दे डिप्लोमे करा रहे हां, डिग्रियां करा रहे हां, ते साडे पंजाब दे विचों ही सानूं जॉब नहीं मिल रही, ते जे जॉब मिल रही है ते उह कॉन्ट्रैक्ट ते मिल रही है, साडे पंजाब दे लोक ही बाहर नूं क्यों जा रहे ने, ये कदी बादल साहब ने सोचा? साडी मंग हैगी कि जल्दी तो जल्दी अज सैशन चल रहा विधानसभा दा, ते उहदे विच जिहड़ा वा साडा बजट पेश कीता जावे तां कि साडियां जिहड़ियां रेगुलर दे बराबर जिहड़ियां तनखावां होण, ते जिहड़ियां पोस्टां खाली ने उहनां पोस्टां नूं भरिया जावे, ते जिहड़ियां नहीं खाली ने उहनां पोस्टां नूं क्रिएट कीता जावे तां कि साडे सारे मुलाजम जिहड़े आ सैट हो जाण। इह कल्ले NRHM दी मंग नहीं मैं कर रही, पूरे पंजाब दे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमां दी मंग जिहड़ी मेरे वल्लों हैगी। इत्थे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी की सानिध्य में महिला पतंजलि योग समिति अमृतसर की ओर से महिला सशक्तिकरण दिवस आर्य समाज नवाकोट अमृतसर में मनाया गया, जिसमें पंजाब की महिला प्रभारी बहन मानसी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। प्रानित्य कमेटी के सदस्य बहन भारती राज जी भी थे।
प्रोग्राम की अध्यक्षता श्रीमती रीना अरोड़ा जी जिला अध्यक्ष अमृतसर ने की। प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य देश में महिलाओं को सामाजिक, राष्ट्रीय और आर्थिक स्तर पर मजबूत करना और इस दिशा में पेश आ रही समस्याओं पर मंथन करना है। इस अवसर पर अशोक शर्मा, पतंजलि योग समिति से राजकुमार, महासचिव से श्री हरेंद्र महाजन आदि उपस्थित थे। मेरा नाम इतिंदर कौर मानसी है, मैं राज्य प्रभारी हाँ महिला पतंजलि योग समिति वालों। अज सारे देश के वासियों नूं असी बहुत बहुत वधाई देने हाँ। संवत 2072 शुरू होने वाला हैगा और नवरात्रे 21 मार्च तो शुरू ने। वो दिन जो है वो माता का दिन मनिया गया क्योंकि सृष्टि की रचना जो है वो एक माता ने ही की सी। ऐसा स्वामी रामदेव जी पतंजलि योग पीठ के जो मुखिया ने वह मनते ने। उन्होंने नाल संबंधित साडा सारा जिहड़ा संगठन है इस चीज़ के लिए महिला संगठन वालों असी अज 21 मार्च के उपलक्ष के जो कि माता दे दिवस मनिया जाता हैगा 9 दिनों तक असी 9 रूप माता दे उन्होंने पूजते हाँ। और साडी संस्कृति के अनुसार भी असी ये मानते हैं कि शक्ति का स्वरूप है माता। एक नारी जो है इस शुरू तो ही बहुत ज़्यादा आदर सम्मान साड़ी संस्कृति के अनुसार किया गया है और हुन तक भी नारी जो है वह शक्ति का रूप ही मनी जाती है। इस करके आज असी इत्थे 21 मार्च के संबंध के राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए महिला पतंजलि योग समिति वालों इकट्ठे हुए हैं और सारिया भैनों सारे ही अमृतसर वासियों सारे देश वासियों असी बहुत बहुत वधाई देने इस खूबसूरत दिन दे लई। देश की संस्कृति और विरसे नू नाल लैके असी अगे वधना है। ओम धन्यवाद। सारे संगठन साढ़े साढ़े पतंजलि योग समिति भारत युवा किसान पंचायत और ये नाल ही जिहड़ा साडा मेट पतंजलि योग समिति अमृतसर है ये सारे वालों अज का जिहड़ा दिवस महिलावां दी स्थिति महिलाओं जिथे साडी गौमाता और माँ का दर्जा सब तो उच्चा गिरे जाता जिस देश उस देश अज जिहड़ी स्थिति है एक महिलावां दे बारे चाहे वह साडे समाजिक तौर के उपर चाहे वह साडे राष्ट्रीय तौर के उपर अज जिहड़ी वह पहचान वह सुरक्षा जिहड़ी है थोड़ी जिही साडी डावाडोल हुई है। समाज के एक समाजिक चेतना की कमी है, शिक्षा का कुछ ऐसा अभाव कि जिहदे करके जिहड़ी प्रताड़ना है नारी के उपर चाहे वह देश प्रथा है चाहे वह साडा उन्हों दा सुरक्षा का मामला है हर पद्धर के उपर चाहे वह लिंग भेद है हर तरह के नाल उन्हों दा अज भी जिहड़ा भेदभाव है वह चल रहा है और पूज्य स्वामी जी के निर्देशों अनुसार उन्होंने यत्नों की प्रशंसा करते हुए कि खास तौर पर उन्होंने एक प्रोग्राम आयोजन जिहड़ा साडा कि देश के हर हिस्से दे विच तुसी नारी सशक्तिकरण दिवस मना के इस दिशा के उपर अपना जिहड़ा विचार है और करो और समाजिक चेतना होर ज़्यादा मजबूत करो। स्वामी जी कहिंदे कि जिस घर च साडी नारी खुशहाल है उही खुशहाली जिहड़ी है उस घर की पहचान है। उही अगर नारी साडी स्ट्रोंग है नारी साडी अगर अच्छे और नारी नूं शक्ति मिली है तो वह शक्ति साडे समाज की शक्ति उही शक्ति साडे राष्ट्र की शक्ति। उन्होंने भी याद करते हुए जिन्होंने बलिदान दिए औरतों ने जिन्हें मावं ने भगत सिंह वर्गे पैदा किए जिन्होंने मावं ने साडे गुरु गोबिंद सिंह वर्गे पैदा किए आर्य समाज के नाल मिल के सारे असी उस दिशा के नारी समाज के उत्थान लई हर एक संभव परिवार जिहड़ा वो असी अज कर रहे हैं। दुनिया समाज है अगर औरत नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर हम इस चीज़ पे सोचें कि पहले जैसा माहौल होता था कि चलो आदमी अपना प्रभुत्व जमाते थे और औरतों को पूछते नहीं थे लेकिन अब वो टाइम निकल चुका है। अब हमें सबको एकजुट होके खड़े होना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए ताकि औरत का हम दुख दर्द समझ सकें और आगे हम तरक्की कर सकें। पठानकोट के गांव मलिकपुर में ईसाई समुदाय के लोगों ने शव को सुपुर्दे खाक करने के लिए जगह की कमी के चलते आज पठानकोट जम्मू हाईवे पर जाम लगाया। इस मौके पर विरादरी के प्रधान प्यारे लाल ने बताया कि सरकार की ओर से उन्हें जो जगह कब्रिस्तान के लिए दी गई थी उस जगह पर लोगों ने नजायज कब्जा कर लिया है जिस कारण अब उन्हें किसी भी शव को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। आज वे जिस शव को दफनाने के लिए आए हैं उन्हें पहले उस पुरानी कब्रों को खोदकर उसमें से मानव कंकाल बाहर निकाला फिर पुरानी कब्रों को खाली किया और फिर शव को दफनाया गया। इसी को लेकर लोगों में भारी रोष पाया जा रहा है जिसके चलते उन्होंने हाईवे पर जाम किया है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि कब्रिस्तान पर हुए नजायज कब्जों को हटाकर उनके साथ इंसाफ किया जाए। ये सानू चार कनाल तो ज्यादा जगह है पर वो सारी जिन्हें जमीन लगती है कब्रिस्तान के नाल उन्होंने अपना कब्जा किया पाया। सानू ऐसी मुर्दा जदों भी कदे भी जदों सारी ईसाई बिरादरी नाल ईसाई समुदाय ने इदां कुछ हुंदा है
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉੱਧਰੋਂ ਨੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਫਨਾ ਦਈਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਦੇਸ਼ ਭੱਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਈਸਾਈ ਸਮਾਂ ਦਾਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ 8 ਕਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈ ਸਮਾਂ ਦਾਊ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ 6 ਅਨੇ ਦਲੋਂ ਕੋ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਕਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਆ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਭੀ ਦਲੋਂ ਕੋ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਕਾ ਬਿਊਰੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਆ ਹੈ। ਇਨ ਦਲੋਂ ਕੋ ਕੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਨਕੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣਾਵ ਚਿਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਧਾਰਾ 16 ਲਗਾਈ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਕੋ ਲੇਕਰ ਆਲੋਚਨਾ ਝੇਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਓ ਕੋ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਬਹਿਸ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮੰਚ ਪਰ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕੋ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ICC ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2015 ਕੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮੇ ਭਾਰਤ ਔਰ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੇ ਬੀਚ ਖੇਲੇ ਗਏ ਮੈਚ ਮੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਜੀਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋ 109 ਰਨੋ ਸੇ ਪੀਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੁਜੀਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਪੂਕੀ ਕਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਫਿਲਮ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਬਿਓਮਕੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਬਾਕਰ ਬੈਨਰਜੀ ਕੀ ਫਿਲਮ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਬਿਓਮਕੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਆਜ ਕੇ ਮੁਖਯ ਸਮਾਚਾਰੋਂ ਪਰ। ਜਨਰਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਮੇ ਤੈਨਾਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੀ ਗੋਲੀ ਲਗਨੇ ਸੇ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋ ਲੇਕਰ NRHM ਕੇ ਕਾਰਯਕਰਤਾਓਂ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕੀਆ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਈਸਾਈ ਸਮੁਦਾਇ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਕੀਆ ਗਿਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੇ ਜੰਮੂ ਹਾਈਵੇ ਪਰ ਜਾਮ। ਇਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਆਜ ਕੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਿਲੇਂਗੇ ਕੁਛ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ। ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਦੀਜੀਏ ਇਜਾਜ਼ਤ।